संगीत की दुनिया में आज इस नाम को शायद ही कोई ऐसा हो जो फरमानी नाज के नाम को ना जानता हो। रानू मंडल के बाद जो नाम सबकी जुबां पर आ रहा है वो है फरमानी नाज का, जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। YouTube पर भी फरमानी नाज के काफी वीडियोस देखे जा रहे हैं जिन पर लाखों करोड़ों व्यूज हैं। लोग फरमानी नाज के गाए गानों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वक्त फरमानी नाज इंडियन आइडल के मन से खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी रातों रात स्टार बन सकता है। जिस तरह से रानू मंडल अपनी आवाज से रातों रात स्टार बनी थी, फिर उन्हें भी बॉलीवुड में जाने का मौका मिला। हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल से अपना गाना गवाया था, उसी तरह से फरमानी नाज भी कुमार सानू के साथ गाना रिकॉर्ड कर चुकी हैं। हाल ही में फरमानी नाज को कुमार सानू के साथ गाना गाते देखा गया था। कुमार सानू के साथ गाना गाकर फरमानी फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि आज बरसों की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना जो पूरा हो गया था। जी हाँ, फरमानी नाज का सपना था कि वो एक बार कुमार सानू के साथ गाना गाएं। किसी ने सच ही कहा था कि जहाँ चाहा वहीं रहा। फरमानी नाज की जिंदगी का ये पहला गाना है जो उन्होंने कुमार सानू के साथ गाया। कुमार सानू ने भी फरमानी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। कुमार सानू ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि उन्हें आगे मौके मिले ताकि वो अपनी आवाज से पहचान बनाए, लोग उन्हें जाने और वो दुनिया में छा जाए। फरमानी को नेहा कक्कड़ का गाना माही को भी गाते देखा गया था। उन्होंने कहा था कि वो नेहा की तरह सिंगर बनना चाहती हैं। वह इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कर ने भी फरमानी को एक मौका देते हुए उन्हें अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। वैसे तो जजेस उनकी आवाज से इम्प्रेस नहीं हो पाए थे, लेकिन नेहा ने उन्हें ये गिफ्ट के तौर पर एक मौका दिया है। नेहा का ये गिफ्ट फरमानी की जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा, क्योंकि यहां से उनकी जिंदगी बदल सकती है। नेहा कक्कर के शो की तरफ से फरमानी को पैसों की मदद भी की गई है। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 काफी हिट होने वाला है। जज नेहा कक्कर तो है ही शो को हिट करने के लिए, साथ ही इस बार के ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिन्हें सच में भगवान का बंदा कहा जा रहा है। एक से एक कंटेस्टेंट ने मंच पर धमाल मचा कर रख दिया। नेहा की शादी के बाद लोग इनके इस शो को काफी प्यार दे रहे हैं। इन्हें इस शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। और फिर जिस तरह से नेहा अपने कंटेस्टेंट की आवाज में खो जाती है और उनकी कहानी सुनकर सेट पर इमोशनल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, नेहा आए दिन गरीब कंटेस्टेंट की मदद करती नजर आती हैं। हाल ही में नेहा ने एक कंटेस्टेंट को 1,00,000 रुपए देकर मदद की थी। उससे पहले नेहा ने एक बाजा बजाने वाले शख्स की 2,00,000 रुपए की मदद की थी। वो अपने कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर रो पड़ती हैं। लेकिन इस बार नेहा ने अपनी कंटेस्टेंट के साथ जो किया उसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि नेहा को शर्म आनी चाहिए। दरअसल इस बार इंडियन आइडल के मंच पर फरमान और फरमानी नाज बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे। फरमानी नाज के गाने के कई सारे वीडियोस YouTube पर वायरल हो चुके हैं। फरमानी बेहद गरीब घर में जीवन बिता रही हैं, अपने बेटे का पालन पोषण कर रही हैं। फरमानी नाज के पास अपना ये हुनर दिखाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। वो गाती हैं तो एक शख्स उनकी वीडियो बनाकर पोस्ट करता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। फरमानी नाज ने जजेस को बताया कि उनकी वीडियोस तो खूब वायरल हुई, लोग प्यार भी देते हैं, लेकिन जो चीज इस वक्त चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, फरमानी नाज को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फरमानी नाज ने बताया कि उनका बेटा पैदा होते ही डिब्बे वाला दूध पी रहा है, क्योंकि उनकी नाक और गले की एक ही नली है, जिसकी वजह से वो लेट कर दूध नहीं पी सकता, उसकी जान को खतरा हो सकता है। फरमानी पैसों की वजह से अपने बेटे का अब तक इलाज नहीं करवा पाई। फरमानी नाज अपने बेटे का इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने में लगी हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई। बच्चा बड़ा होता जा रहा है और इसके साथ ही फरमानी के बेटे की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि नेहा कक्कर फरमानी के बेटे की मदद तो जरूर करेंगी, जैसा कि उन्होंने कई गरीबों के साथ किया, लेकिन यहाँ नेहा कक्कर फरमानी की बेटे की कोई मदद नहीं कर पाई, जिसके बाद लोगों ने नेहा को ट्रोल भी किया। लेकिन नेहा कक्कर, विशाल और हिमेश रेशमिया ने फरमान और फरमानी को गाना गाने के लिए अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया, जबकि उनका गाना इतना अच्छा नहीं था। विशाल ने कहा, वीडियोस में जो फरमान फरमानी दिख रहे थे वो इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अगले राउंड के लिए सेलेक्ट करके उन्हें मौका दिया जा रहा है ताकि उनका हुनर बाहर निकले।
आपको बता दें दोनों कंटेस्टेंट की जजेस ने काफी तारीफ की। इनकी एंट्री होते ही विशाल ददलानी ने कहा कि मैंने आपको देखा हुआ है, कई सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब पर वायरल हैं, आप लोगों की गाने ट्रेंड में चलते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखी क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था। विशाल ददलानी ने बताया कि मैंने भी आपकी वीडियो पोस्ट की है और उस पर कमेंट किया था, जिसके बाद लोगों ने विशाल से इन कंटेस्टेंट को अपने शो में बुलाने की डिमांड भी की थी, लेकिन विशाल ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में इन्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। विशाल ने कहा कि पता नहीं कैसे किस्मत से आज आप लोग हमारे सामने हैं, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। वही नेहा ने इन्हें भगवान का बंदा कहा, वही हिमेश ने इन्हें सैल्यूट किया। खबरें तो ऐसी भी हैं कि शो की तरफ से फरमानी के बेटे के इलाज के लिए पैसों की मदद की गई है, लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं और इस वक्त फरमानी सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। तो आप भी फरमानी के सपोर्ट में हैं तो इनकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुपरस्टार नेहा कक्कर हसमुख है और इतना मौज मस्ती करती है कि लोग उनके अंदर के छिपे दर्द का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, और यही वजह है कि जब भी कोई करीब बच्चा या फिर कोई अपनी बीती कहानी सुनाता है तो नेहा कक्कर अपने आंसू रोक नहीं पाती है। नेहा ऐसा महसूस करती है कि वो आज भी उन्हीं दिनों में है जब उन्होंने भूखे पेट कई रातें गुजारी थी। नेहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार अपने इंडियन आइडल के शो में रोती देखी गई, क्योंकि वो कंटेस्टेंट का दर्द देख नहीं पाती और सेट पर ही रोना शुरू कर देती हैं। कई लोगों ने नेहा के इस दर्द का मजाक भी बनाया, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह भी शामिल है। जी हाँ, भारती सिंह ने भी कपिल के शो में नेहा से पूछा था कि क्या सोनी टीवी से खुश नहीं है, वो तुझे सैलरी नहीं देते हैं, जो हर वक्त रोती रहती है। जिस पर नेहा ने अपना मुंह बंद कर लिया और वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उस वक्त नेहा जैसा महसूस करती हैं वो वही जानती होंगी। लेकिन इस बार नेहा ने कसम खा ली है कि वो अब कभी इमोशनल नहीं होंगी। जी हाँ, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो चुका है और नेहा ने इसकी वीडियो भी शेयर की है। नेहा के साथ इस शो में विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया जज हैं। इस वीडियो में भी एक कंटेस्टेंट अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए रो पड़ता है, जिसके बाद नेहा कक्कर भी इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त जिस तरह से सिचुएशन संभाली वो देखकर हर कोई शॉक रह गया। नेहा कक्कर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो अब कभी इमोशनल नहीं होंगी। शायद लोगों की मजाक की वजह से नेहा ने ऐसा कहा, लेकिन मेरा मानना है कि नेहा अपने आंसू रोक नहीं पाएंगी। नेहा ने इस कंटेस्टेंट की बात सुनी। कंटेस्टेंट ने बताया कि बचपन से उनके गुरु उन्हें गाना सिखाते थे, लेकिन अचानक से उनके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ कि गुरु ने उनका साथ छोड़ दिया। नेहा ने फौरन उस कंटेस्टेंट के गुरु से बात कराई और गुरु शिष्य की मुलाकात देखकर हर कोई रो पड़ा।